और हमेशा आप कैदी नंबर 804 दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात पूरी दुनिया को आपके ज़रिए पहुंचती है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी मुलाकात हुई थी अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और बड़े ही अरसे के बाद माशाल्लाह बहुत पुरअज़म उनके हौसले और सेहत के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह ताला शुक्र अदा करे बहुत अच्छे स्पिरिट्स में थे, कौम को मुबारकबाद भी दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जो ये इलेक्शन इस पे जो धांधली नहीं धांधला हुआ है, जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने एक जुम्बश कलम से हमारी सीटें 175 से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज़ 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज की कॉल इस वक्त मीडिया के ज़रिए अनाउंस हम लोग कर रहे हैं। और ये किस लिए कि मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई, बल्कि धांधला नहीं हुआ, अवाम के मैंडेट पे शबे खून मारा गया, लोगों ने वोटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं। और कल रात को भी हमारी ही सीट लोधरा पे रिकाउंटिंग के जरिए शबे खून मारा गया और एक दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया, हालांकि हमारे लोधरा के एमएनए साहब को एमएनए के कार्ड तक इशू हो गया था। इस चीज के खिलाफ हम लोग आखिरी दम तक अदालतों में भी जाएंगे, हम लोग असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे, हम लोग पाकिस्तान की आवाम को भी मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने जनाब वजीर आजम इमरान खान को दिया है। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में स्पीकर इलेक्शन के लिए जनाब 9 मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही पुराने साथी, आगाज़ में ही इमरान खान साहब के दरीना साथी मलकंड से हमारे 9 मुंतखब मेंबर जनाब जुनेद खान साहब को, इन दोनों साथियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेंगी, जीत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमें अपने कायद ने एक चीज़ सिखाई है कि आखिरी दम तक हमने लड़ते रहना है, और हमारी ये जस्तजू, ये जिहाद, ये हक और सच्चाई के लिए है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अवाम ने हमें 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत दी है और वो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।